तो ये है मेरे पास MK8 का एक यूनिवर्सल ब्लूटूथ गेम पैड, काफ़ी बढ़िया RGB लाइट्स और ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ में ये गेम पैड हमें मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस के साथ में ये कंट्रोलर कंपैटिबल है और इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो ये कंट्रोलर हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। यहाँ पर इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और इस पर मिलने वाले इन फीचर्स के बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर है इसकी MRP, वैसे MRP है इसकी 3499, पर आप इस यूनिवर्सल वायरलेस गेम पैड को सिर्फ 2000 से 2500 रुपये की प्राइस रेंज में परचेज कर सकते हो। और ये तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ईवो फॉक्स का ये स्टिकर, उसके बाद आती है क्विक स्टार्ट गाइड, फिर हमें देखने को मिलती है यूज़र मैनुअल जिसमें आपको इस गेम पैड को अपने PC या फिर बाकी डिवाइसेस के साथ में किस तरह से कनेक्ट और ऑपरेट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ये वायरलेस कंट्रोलर, देख सकते हो MK8 ने इस बार ट्रांसपेरेंट बॉडी शेल का यहाँ पर यूज़ किया है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। फिर आता है एक मोबाइल फ़ोन होल्डर और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है इस गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक Type-C USB केबल। तो फ्रेंड्स हमें बॉक्स में यही सभी कुछ कंटेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने वायरलेस गेम पैड की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो देख सकते हो ये गेम पैड हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव से डिज़ाइन में, और हमें यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बॉडी शेल दिया गया है। देख सकते हो अंदर की तरफ वाइब्रेशन मोटर्स वगैरह क्लियरली विजिबल है। गेम पैड में यहाँ इस तरफ हमें ईवो फॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ इस तरफ ऊपर हमें ये चार्जिंग इंडिकेटर दिया गया है जो कि ग्रीन कलर में ग्लो होगा। अब गेम पैड को ऑन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर इसके होम बटन को एक बार प्रेस करना है और देख सकते हो हमें यहाँ पर ये RGB लाइट्स भी दी गई है और इन पर मिलने वाली इन RGB लाइट्स को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। पीछे यहाँ पर ये बटन दिया गया है ब्रीदिंग इफेक्ट, स्टिल इफेक्ट, या फिर आप इन RGB लाइट्स को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। मैं दोबारा से इसकी RGB लाइट्स को ऑन कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रीदिंग इफेक्ट वाली ऑप्शन पर सेलेक्टेड है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये चार LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि इसकी कनेक्टिविटी स्टेटस के बारे में हमें बताएंगे। उसके अलावा ये एक फुल साइज़ गेम पैड है, डिज़ाइन भी हमें यहाँ पर काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो ऐसे में इस गेम पैड को होल्ड करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार कोई भी की हमें यहाँ पर बैकलाइट नहीं मिलती। मैं एक बार आपको जल्दी से इस गेम पैड को ऑन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। हालाँकि कोई भी की यहाँ पर बैकलाइट तो नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर बढ़िया RGB लाइट्स मिल जाती है और इन जॉयस्टिक पर हमें रबराइज टेक्चर भी यहाँ पर दिया गया है। ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह के थोड़े ब्रॉड टाइप के ट्रिगर्स के साथ में और ये ट्रिगर्स प्रेशर सेंसिटिव है। वीडियो में आगे चलकर मैं इसके ट्रिगर्स और वाइब्रेशन को भी आपको एक बार टेस्ट करके दिखा दूंगा। गेम पैड में पीछे की तरफ हमें वाइब्रेशन इफेक्ट को कम या ज़्यादा करने के लिए दो स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं और बीच में RGB लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक बटन मिलता है। और गेम पैड में ऊपर की तरफ हमें ये USB Type-C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है और Type-C USB केबल हमें बॉक्स में ही इंक्लूडेड मिलती है। ओवरऑल डिज़ाइन इस गेम पैड का काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव है और RGB लाइट्स होने के कारण इस गेम पैड की लुक्स भी यार काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो चलिए मैं इस गेम पैड को अपने PC के साथ में कनेक्ट करके आपको थोड़ा गेम प्ले यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गेम पैड को यहाँ पर मैंने अपने PC के साथ में कनेक्ट कर लिया है। इसको कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसीवर आप इस गेम पैड को ब्लूटूथ से ही अपने सभी के सभी डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो गेम पैड हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली PC के साथ में कनेक्टेड है और मैं अब जल्दी से आपको यहाँ से गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। Take him out!
वैसे मैंने इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में भी टेस्ट किया, देख सकते हो स्मार्ट टीवी के साथ में भी ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ इस गेम पैड के थ्रू आपको मोबाइल फ़ोन पर भी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी और आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन या फिर आईपैड के साथ में भी पेयर कर सकते हो। अब इस पर मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन की तो हम बात करें तो ये एक यूनिवर्सल गेम पैड है, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन्स, आईपैड, पीसी या फिर प्लेस्टेशन कंसोल्स के साथ में भी इस गेम पैड को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसको अपने डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह के एक्सटर्नल रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। ये इनबिल्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.1 कनेक्टिविटी को ये सपोर्ट करता है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर बिल्कुल लैग फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी। इसकी वायरलेस रेंज, इसकी बैटरी और इस पर मिलने वाले कुछ फीचर्स की तो हम बात करें तो ये गेम पैड पर हमें 8 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। तकरीबन 2 घंटे में ये गेम पैड जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। साथ ही में RGB लाइट्स होने के कारण गेमिंग करते वक्त आपको बढ़िया फील आएगा। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स है और वाइब्रेशन को भी आप इस गेम पैड पर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। इनबिल्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और आपको इस गेम पैड पर आराम से 8 से 10 मीटर की रेंज मिल जाएगी। तो चलिए मैं एक बार इस गेम पैड के आपको प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स और वाइब्रेशन को एक बार टेस्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो इसके प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स जो है वो बिल्कुल बढ़िया से काम कर रही है और हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्रेशन फीडबैक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस गेम पैड की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये तो आप बजट प्राइस में एक मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने वाला गेम पैड को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली MK8 के इस EVOFOX 1 गेम पैड की तरफ जा सकते हो। और वैसे इस वाले गेम पैड को खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।